सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी मस्त होंगे और बारिश में मज़ा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 2 मार्च और बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे फरुखाबाद शहर में। और हमारे बबलू भाई के फ़ोन का जो हैगा फोल्डर चला गया, फोल्डर उनके बेटे ने तोड़ दिया है। तो हम लोग जो हैगा उस फोल्डर को सही यानी कि रिपेयर करवाने जा रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं। तो वो फोल्डर तो अब पड़ेगा नहीं, दूसरा फोल्डर पड़वाते हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम कसरट्टा पहुँच गए हैं। तो चलिए फिर अपने इस ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करते हैं और चौक से ही ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, फाइनली हम चौक से टर्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स यहाँ बिकते हैं हमारे फरुखाबाद शहर में। और ये नीलम साइकिल वालों की जो है, नीलम की एजेंसी भी है इनके पास, और यहाँ पर सारी की सारी साइकिलें मिल जाती हैं। और गाइस, ये देखिए हमारे फरुखाबाद शहर में अभी भी ये वाले रिक्शा चलते हैं, जो कि अब बहुत कम हो गए हैं पैर वाले रिक्शे, लेकिन अभी भी हमारे फरुखाबाद शहर में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, ये देखिए अब हम जो हैगा पक्के पुल पे आ चुके हैं। गाइस, पक्का पुल का एरिया है ये जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं गाइस। और बारिश का बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, मौसम एकदम औसम हो रहा है गाइस। तो ये देखिए चटोर मार्केट, जहाँ पर आपको डोसा वगैरह या कुछ भी खाने पीने के लिए मिल जाता है आपको फर्स्ट क्लास सा। ये सबसे ज़्यादा फेमस वंदे हलवाई की दुकान है। और गाइस, ये देखिए मेरा थोपड़ा है। तो प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर इसकी आवाज़ आप सुनते हैं एम्बुलेंस की, तो प्लीज़ एक साइड पकड़ लिया करिए और एम्बुलेंस को निकलने की रास्ता दे दीजिए करिए। गाइस, ये देखिए रिक्शे हमारे शहर में अभी भी चल रहे हैं इस तरीके के। और अब हम जो हैगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी नदी पड़ती है रास्ता में, जसमई दरवाजे जसमई के पुल के नीचे। उस नदी को पुल को मतलब पार करते हुए हम जो है आ गए हैं, आप देख सकते हैं गाइस ये देखिए। और वाकई में बहुत बड़ी नदी है ये, दोनों पुल के नीचे से हम लोग निकल के आए हैं। और रंजीत भाई की शॉप ये देखिए आ गई गाइस, आप देख सकते हैं ये रंजीत भाई की शॉप है गाइस, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहीं पर उतरने वाले हैं और बारिश बहुत तेज़ आने वाली है लगता है, लेकिन अभी तेज़ नहीं है। ये देखिए माँ गंगला टेलीकॉम। तो गाइस देखिए बारिश भी तेज़ आ गई है, इसीलिए हम लोग बाइक से नहीं आए थे कि कहीं भीग ना जाएं। लेकिन गाइस फिर भी हम लोग जो हैगा थोड़ा बहुत तो भीग ही गए हैं। ये देखिए बबलू भाई और ये वाली टेरी थी, और देखिए रंजीत भाई हमारे जो है अपने जंगली रमी में लगता है जो हैगा व्यस्त हैं गाइस। ये देखिए हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, ये हमारे रंजीत भाई। तो यही जो हैगा इस शॉप के ऑनर हैं रंजीत भाई हमारे, और यही फ़ोन को संभालते हैं गाइस। तो अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आप यहां जसमई दरवाजे पे ज़रूर आएं, बहुत ही अच्छा काम करके देखते हैं। ये देखिए मंगला टेलीकॉम के नाम से है, माँ मंगला टेलीकॉम। तो यहाँ पर सभी कुछ है, 0% फाइनेंस भी हो जाते हैं फ़ोन गाइस। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं, जसमई दरवाज़ा इसका एड्रेस है, फरुखाबाद शहर में है। और ये देखिए फाइनली हमारा फोल्डर जो हैगा चेक करने के लिए जो है खड़े हो गए भैया, गेम में मशलूक हैं। तो देखिए गाइस, ये जो है अभी लूडो वाला गेम खेल रहे हैं, पैसा अर्न करना चाहता है हर कोई ऑनलाइन पे। तो ये कोई जंगली रमी वगैरह कोई ऐप रहता होगा, कोई रिस्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, ये मेरा खुद का वीडियो है। आप खेलना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे खेल सकते हैं गाइस। ये देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैसी लगती है यार जानवरों के लिए। ये देखिए गाइस बारिश हो रही है और जानवर किस तरीके से खड़े हुए हैं। हम लोग एक छत के नीचे आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पशु वगैरह होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। और ये देखिए हमारे लिए बैठने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये देखिए गाइस कितने सारे जो है गाय और क्या नाम सांड वगैरह खड़े हुए हैं गाइस। तो यार ठंडा मौसम है तो जाहिर सी बात है। और ये देखिए फाइनली हमारे फ़ोन को इन्होंने खोलना स्टार्ट कर दिया है गाइस। तो ये अब जो है इसको खोलेंगे और फिर उसके बाद में फोल्डर निकालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले पिन को इन्होंने लगाया और जिसमें सिम लगती है सिम वाली ट्रे को निकाल लिया गाइस। ये देखिए इनके नाखून कितने मतलब जो है वैसे हैं बड़े जो कि, और गाइस ये देखिए ये निकाल रहे हैं नाखून की मदद से। और जैसे ये फोल्डर को निकाल देंगे फिर उसके बाद हम लोग को अंकित भैया के घर जाना पड़ेगा फोल्डर को लाने के लिए, कि उन्होंने कहा था फ़ोन खुलवा के लेकर के आना। तो गाइस ये देखिए फाइनली इन्होंने निकाल दिया है और अब हम लोगों को जो हैगा इसको फ़ोन को साथ में ले जाके अंकित भैया को दिखाना पड़ेगा, तब वो फोल्डर इस पर लगा के चेक करेंगे, उसके बाद में जो हैगा फोल्डर हम लोग को देंगे वो। और ये देखिए
पूरी तरीके से हमारे रंजीत भाई ने जो है फ़ोन को खोल दिया है। और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार बारिश इतनी तेज़ हो रही है और बाइक लेकर के नहीं आए हैं तो कैसे जाएंगे। तो हालांकि रंजीत भाई की बाइक खड़ी हुई है, लेकिन यार ये इतनी भयानक नदी में उस पार से बाइक को उठाना भी तो काम है। और गाइस फाइनली देखिए हम लोग फोल्डर लेकर के वापस आ चुके हैं पूरी तरीके से भीग भाग के। गाइस ये देखिए फोल्डर है, KDM का फोल्डर है और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमें अंकित भैया ने दे दिया। तो गाइस अभी जो है फ़ोन की क्लीनिंग हो रही है, फ़ोन की क्लीनिंग के बाद में जो है हमारे रंजीत भाई जो है इस फोल्डर को चढ़ा देंगे और फिर हम इसको चेक। तो गाइस बहुत टाइम हो गया, अब कुछ पहले खाते पीते हैं यहाँ से हम और बबलू भाई, एक एक चाट और समोसे। और यहाँ पे पापड़ी भी बिक रही है, अगर पापड़ी खाना चाहते हैं तो पापड़ी भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन पापड़ी नहीं खा के हम लोग चाट और समोसे दोनों चीज़ें खाते हैं। और फिर उसके बाद में जो है रंजीत भाई के लिए पैक भी कराते हैं क्योंकि भाई को भी खिलाना ज़रूरी है। और भाई साहब मौसम तो बिल्कुल ही ऑसम हो रहा है। तो देखिए गाइस हम लोग खा चुके हैं और बबलू भाई पैक करा के भी आ चुके हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप कितनी किचकिच हो गई है यहाँ पर, फ़ोन संभलवाने आए तो दिमाग के रायता हो गया। गाइस ये देखिए फ्रूट की दुकानें यहाँ पर जसमई दरवाजे पे हैं, गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है गाइस, और हम लोग घर के लिए जो है ट्रेरी ढूंढ रहे हैं और ट्रेरी मिल नहीं रही है। और देखिए इतना पानी पड़ा हुआ है फिर भी ये सब्जी वाले भैया जो है छिड़काव लगा रहे हैं यहाँ पर। गाइस इतना पानी बरसने के बाद में भी ये छिड़काव लगा रहे हैं गाइस। और ये देखिए गाइस अब हमें ट्रेरी फाइनली मिल गई है और हम लोग ट्रेरी पे बैठ के जो है घर के लिए रवाना हो गए हैं। गाइस कुछ ही देर में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है, 3:05 है। तो गाइस बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद में हमें जो है ट्रेरी मिली यानी कि ई रिक्शा। और गाइस हम पहुँचे जैसे ही रेलवे स्टेशन के पास तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है क्रॉसिंग बंद है। तो अब यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोग को, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये देखिए गाइस काफ़ी जो है क्रॉसिंग बंद होने की वजह जाम लग गया, तो आगे चलते हैं गाइस, आगे से आपको एक्सप्लोर कराते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन हमारे वहाँ का गाइस। और ये देखिए जूम करके गाइस ट्रेन निकलने वाली है गाइस, तो आगे चल के दिखाते हैं आपको गाइस ट्रेन आ रही है। देखिए गाइस तो फाइनली जो है ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हैं। और बड़ा ही यार खूबसूरत सा मंजर लगता है, बचपने में जब क्रॉसिंग पे जो है पापा की साइकिल खड़ी होती थी और ट्रेन इस तरीके से निकल रही होती थी भाई साहब, क्योंकि अक्सर हम जो है जसमई दरवाजे अपने पापा के साथ आया करते थे, क्योंकि हमारा जो घर है वही जो है हमारा रेलवे स्टेशन के बगल के ही एरिए में है, तकिया नसरत साहब में। तो अक्सर हम लोग जो है यहाँ से गुजरा करते थे अपने पापा के साथ। तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं ट्रेन जो है स्टेशन से निकल रही है, और ये देखिए सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं गाइस, और काफ़ी सारे लंबी जो है लाइन लगी हुई है। हमारी भी ई रिक्शा पीछे खड़ी है जिसमें कि बबलू भाई बैठे हुए हैं और हम उतर के आ गए हैं, जिससे कि आपको बेहतर एक्सप्लोर करा पाएँ गाइस। तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें गाइस। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं हमारे लिए गाइस। तो गाइस फाइनली जो है क्रॉसिंग खुल चुकी है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। और ये देखिए गाइस कितना यहाँ पर जाम है, आप देख सकते हैं ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जाम है। तो गाइस फ़ोन सही करवाने आया, पूरे 3 घंटे लग गए हम लोग को फ़ोन सही करवाने में गाइस। तो अब हम लोग जो है वापसी हो रहे हैं यहाँ से गाइस। और ये देखिए क्रॉसिंग जैसे ही, ये तो कहो यहाँ पर काफ़ी सारा चौड़ा जो स्पेस होता है, इस वजह से जो है थोड़ा कम भीड़ होती, वो जो है ट्रैफिक खुलने में आसानी हो जाती है, वरना बहुत लंबा यहाँ पर जो है जाम लग जाए, बहुत ज़्यादा मशक्क़त होने लगे। तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है यहाँ पर, जिससे कि आसानी से लोग जो है आर पार कर पाते हैं। अगर ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सारे के सारे जो है ट्रैफिक खुल रही है गाइस। और ये देखिए गाइस और दो दो लेडीजों को बैठा के गाड़ी चला रहे हैं गाइस बड़े ही। और गाइस ये देखिए जहाँ पर सफाई के लिए कहा जा रहा है और वहीं पे जो है गंदगी गाइस, ये भी हमारे फर्रुखाबाद में ऐसा ना करा करो यार प्लीज़, तो ये सब गलत है गाइस। तो यही था हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग गाइस, चलिए तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और सेल्फ, दुआओं में याद रखना। ये देखिए गाइस
ओके बाय गाइस।